लड़का, अभी तक चेयर्स वैसी की वैसी, कोई सफाई नहीं की, कोई अचानक से क्लाइंट आएगा तो क्या होगा? ये लड़का भी ना सिर्फ उसको खाने की पड़ी होती, बस किसी कोने में कुछ खाने को मिल जाए। ये सफाई कैसी की है वैसे? पोछा लगाया वैसे का वैसे, गीला फर्श, सारी चीजें, क्या करूं मैं इस लड़के को, मेरी समझ से टोटली बाहर हो चुका है। हाँ भौजी, नौशी मैडम है, वो तो मैडम की भी मैडम है, ये काम होना चाहिए, वो काम होना चाहिए, वो मैडम को देखे ना शशके ही नहीं खत्म होते। मंथली ग्रॉसरी भी आपने मुझे कर देनी है, और क्या कहा था, हाँ मेरे कपड़े जो है ना वो भी आपने, मैं कोई लोकल कपड़े नहीं पहनती, मैं डिजाइनर के कपड़े पहनती हूँ, वो भी आपने ही सब मैनेज करना, सारी चीजें मैंने ही मैनेज करनी है, और ऊपर से अभी तक आई भी नहीं है, नखरे खत्म ही नहीं होते इन मैडम के, ये चीज भी करनी है मुझे, वो चीज भी करनी है, और ऊपर से जो वैसे आइडिया जो दिया क्या, हाँ ऑफिस का नाम भी चेंज कर दिया मैडम ने जी, क्या, हाँ जुगाड़ू कंपनी, नाम भी चेंज, सारी चीजें उनके मुताबिक हो रही है, और खुद अभी तक आई नहीं है, ये प्रोफेशनल होता है, बड़ी बात करी थी, मुझे काम करना आता है, आप लोगों को कितना काम, मुझे तो 10 ईयर्स हो गए इस फील्ड में, ये 10 ईयर्स हो गए, टाइम की पाबंदी नहीं, अभी मैं आई हूँ, सारी चीजें वैसे की वैसे, उनका राइट बंदा यहाँ पे होना चाहिए था, ये देखिए ना जरा, वाह सारी चीजें वैसी की वैसी, नोट भी मैंने ही करनी है, खुद तो है नहीं, इसके चक्कर में रोनी कहाँ है इसे? रोनी, पूरे 2 घंटे इस लड़के को हो गए और अभी तक आया नहीं है, मैंने इसे काम क्या दिया, क्या मैंने काम दिया था कि जाओ तुम, हमारे कंपनी का नाम चेंज हो गया, जुगाड़ू कंपनी हम नाम रख दिया है, और ब्रोशर्स मैंने इसे कहा कि 10,000 तुमने जाके बांटने हैं, इतना तो नहीं था ना, 2 घंटे में तो आई थिंक सारी चीजें हो सकती हैं, 10,000 ही तो थे, कौन से 10 लाख। रोनी पता नहीं कहाँ ये लड़का, मुझे क्यों गुस्सा दिला रहे हैं ये दोनों, नौशी को भी आज आने दो, मैं सारी बातें पूछ ली, कर क्या रही है, पेपर्स का जरा देख लूँ चीज क्या चल रही है रोनी, और ऊपर से सारे बिल्स भी मैं पे करूँ, रोनी को भी मैंने सैलरी देनी है, जितने अखराजात सारे मैंने ही पूरे करें, ये दोनों आपस में क्या करें, रोनी तो चला गया 2 घंटे हो गए अभी तक ये भी वापस नहीं आया, और नौशी मैडम, हाँ वो तो आएंगे मैडम, अपना अभी मेकअप कर रही होंगी, कपड़े सेलेक्ट कर रही होंगी, मैं क्या पहनूँ क्या ना पहनूँ, क्योंकि सारे काम तो सैम ही ने करने हैं, उनके खर्चे भी सैम ने पूरे करने हैं, बिल्स भी सैम ने पूरे करने हैं, टैक्सेस भी सैम ने पूरे करने हैं, रोनी को भी सैम ने ही देखना है, खाना भी सारा कुछ मैंने करना है, मैं क्या कर रही हूँ, सब चले कहाँ गए यार, क्यों मैं अपनी ब्यूटी को क्यों खराब कर रही हूँ यार, वैसे भाई तो मैं, मुझे इतना नहीं करना, मुझे अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्या करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रोनी कहाँ हो यार, अब आप ही जाओ, इतना टाइम नहीं लगता, सिर्फ 10,000 ही तो थे, कौन से 10 लाख थे जो मैंने बांटने के तुम्हें भेजा था, कौन से मैंने तुम्हें दूसरे मुल्क कहाँ के जाके बांट के आओ, पास ही तो था। सारी चीजें अब धीरे 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 ना बाहर होती चली जा रही हैं। तब कोई तक उसको काम आगे जाके क्या काम करेगा, बड़ी बड़ी बातें बोलता है, मैं क्लाइंट्स लेकर आऊंगा, मैं सारी मैनेज चीजें कर लूंगा, क्या मैनेज किया है, टैक्स की बात की तो टैक्स भी पे नहीं किया, कुछ भी पे नहीं किया, आधे घंटे का टाइम, अभी तक ये लड़का वापस आने दो, आज तो मैं इसको नहीं छोड़ने लगी, कुछ भी हो जाए आज तो बिल्कुल हाथों से मेरे पिटेगा, हाँ काफी टाइम से मार भी तो नहीं खाई ना, सिर्फ खाने के अलावा मार नहीं खाई, आज तो इसको मैं मारूंगी, कुछ भी होना आज ही। ओह गॉड, ओह माय लॉर्ड, कौन थे, की मतलब है कौन थे, आधे घंटे का क्या कहते काम था, 2 घंटे बाद आ रहे हो वापस, हाँ जी मेरे से पकोड़े खाना से रुक गया था,
की मतलब है, ब्रोशर वांड रहा था, तू ही ते भेजे सी, मैं टूंडा हो गया, नहीं कमर डिंगी हो गई है, हुन की चाहनी है। कहां से टूंडे हुए हो? कहां से? फजूल गल्ला ना कर। अच्छा मैनू दस और कोई काम है या मैं हुन बैठ के को गाने सुन लवां? यू आई हैव एंजॉयड द एड, मैं गाने भी नहीं सुने आज तक। हां बिल्कुल, मैंने इसीलिए तो रखा है आपको, सिर्फ आप खाएं और सिर्फ आप डांस करें, और तो कोई आपका काम ही नहीं है, सिर्फ इसीलिए रखे। जब जैसे मैं ऑफिस आई, चेयर्स वैसी, इधर कोई इस एक का मुंह इधर, दूसरे का मुंह इधर, क्या क्या। वैसे मेरी बात सुनो, मुझे लास्ट टाइम तो मुझे बता रही हो नौशी मैडम, कहाँ की तुम्हारी नौशी मैडम, मुहतरमा अभी तक पहुंची नहीं है। की चाहनी हो, हर वेले ऐसे ही बैठे रहन, और भी ऑफिस ने और भी काम ने होना, दिस शिट बिजनेस लेडी, ओ माय गॉड। ओहो बिजनेस लेडी के कुछ लगते, ये क्या मनुष्यों की तरह ये गर्दन हिलाते रहते हो? इधर बात करो, इधर मेरी तरफ देखो, आई कांटेक्ट। मैं आई कांटेक्ट नहीं कर सकता, कुछ ऐना कान दिए हूं दन, मैं गाल कर रहा था, यू नो शी इज अ बिजी लेडी, वो आ जानगे की है, तू मन दस ना, तू अपने आईडिया दे, स्वेयर द मैं लगिया बंदा को पानी पूछ लंदा, ओ माय गॉड। तो पकोड़े खाए तो पानी भी तो साथ जरूर पिया होगा ना, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। मैं शुगर लाया, तू पकोड़े दे पैसे मैं देते सन, जड़े मैं पकोड़े खाने सन। आहिस्ता बात किया करो, ऊंची आवाज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा मुहतरमा है कहां पे? आ रही होंगी ना रास्ते से, होंगी मैं की रास्ते में बड़ी बातें करी, मैं क्लाइंट लेकर आऊंगी, 10 साल हो चुके मुझे इस फील्ड में, क्या किया अभी तक? ओफ अल्लाह बंदा बैंड भी दें दे खट, मेरी गाल सुना, यू नो आई एम वेरी मच, यू नो मैं आप सोच रहा था अपोजिट गाल उन्होंने करी, तुसे और ता और ता जनानियां इकट्ठे हो जांदे हो, फिर तुसी अपनी गल्ला शुरू हो जांदे, यू नो क्या सोच रहे थे? यही ना कि लगता तो नहीं तुम्हारे इस फजूल भेजे में भी कुछ अच्छी बात पड़ेगी। या या देख मनु अंडर एस्टिमेट ना कर या कर ऐसे, तो चेयर पे भी पूरे नहीं आ रहे, टूट ना जाए। जी नहीं है, मेरे खाले हले भी जगह बची है, हो जी गल नहीं है। बाय ओके, नाउ आई एम फाइन। बाय, क्या आ रहा है ऐसे माइंड में? यू नो मुझे गुस्सा आ रहा है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हूं, बिकॉज़ इसलिए कि मैं नोशी मैडम नो नोशी बाजी नोसी बुला के लिया है, लेकिन यू नो उन्होंने हाल तक उन तसिया ही नहीं कि ऐसी करना की है, यू नो कस्टमर किस तरह से ग्रैब करना, यू नो तो उससे लास्ट टाइम तो इसी बात पे तो होती, अभी तक तो उसने कुछ बताया ना, अभी तक पहुंचेगी तो उससे चीजें डिस्कस होंगी ना, अभी तक मोहतरमा पहुंची नहीं है। अल्लाह जी बस कर दे, या अल्लाह करे ले दुनिया तो खत्म कर दे, गाल सुनना प्यार नाल गाल करनी होंदी, हुन मैं प्यार नाल गाल नहीं कर सकदा, यू आई एम बॉय यू आर गर्ल, तू नु केयर नु आई अंदर तो उन्होंने गला कटा, उन्होंने को पूछो कि किस तरह मैडम हमने कस्टमर्स जो है ना उनमें से उनसे कमीशन लेना है, उनके साथ बातें करनी है, समझना हम सारा कुछ मैं ही समझावांगा। ओह गॉड समझाया था तभी तो, अभी तक तो कहाँ है वैसे तुम्हारी क्या बोला था मैडम? मेरे पास यू नो रिस्पेक्टेबल है, हो जी गॉड नहीं है, यू नो आई एम अ वेरी गुड बॉय। Hello. Oh my God. Oh no. Madam आ गए. Oh my God. ऐसी थोड़ा ही जिक्र कर रहे सा, तो नो याद कर रहे सा. एक मिनट सैम. Madam दे इस सकवाल दे विच एक गाना. हो गया रोनी, बस बहुत बहुत हो गया सकवाल, हो गया. मैंने पहले भी कहा था रोनी कि बड़े टैलेंटेड हो, सारा टैलेंट आज ही दिखाना है क्या तुमने? एक्चुअली आई वाज वेरी एक्साइटेड, तुसी आज दूसरी बार आए हो साडे ऑफिस, अपने तो थोड़ा ही ऑफिस है, यू नो जुगाड़ कंपनी। हां एग्जैक्टली जुगाड़ कंपनी। अब प्लीज प्लीज बी सीटेड, बी सीटेड। शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा सॉरी मैं जरा लेट हो गई, मेरी क्लाइंट लेट हो गई थी, इतनी तो नहीं हुई, ये कोई नहीं कोई डेढ़ घंटा लेट हुई, कोई मसला ही नहीं करेले, मेरा मतलब सेम, कोई मसला ही नहीं। देखिए आज से मेरी जो डील हुई थी उसके मुताबिक मैंने दिन के 3 घंटे जो हैं वो आपको देने हैं सर।
बाकी मेरे भी तो क्लाइंट्स हैं ना, मेरा भी तो ऑफिस है, उसे भी तो चलाना है मैंने. Of course, she's a busy lady. आप बैठ जाएंगे अब? हाँ जाहिर है. मैं तुसी दसो कोई चाय को पानी कुछ लोगे प्लीज बोलो दसो. हाँ ऐसे करो पहले पानी ले आओ फिर चाय ले आओ. ओके छोड़ी दे. इसका बिल कौन देगा? तुम दोगे? पैसे तुम दोगे इसके? ऑफ कोर्स आप लोग देंगे, आपकी कंपनी देगी. नहीं मैडम देना 15 रुपए दे देते, ऐसे करो 30 रुपए दे दे, मैं भी चाय पीना दूँ. कर जाओ अभी. हाँ बात करने दो. लेकिन आज मैंने कहा है कि मैं चाय नहीं पीऊंगी, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी मैं आऊँ ना तो गरम गरम चाय जो है ना टेबल पे होनी चाहिए. सुन ली आपने मैडम की फरमाइश? गरम गरम उनको चाय, फिर अगले डे के लिए कॉफी. हाँ साथ पकौड़े समोसे हो जाए तो नेवर माइंड. नोट कर लो ना. पैसे कर रहे हैं नोट, मुझे पता लग गया. तो तू 10 करे ले उबाल के. तुम सैलरी में से कटेंगे जी? और अच्छा छोड़िए इन बातों को, इतना टाइम आप लोग बातों में जाया कर रहे हैं. क्या किया, कोई इंतजाम किए, कुछ नया कुछ किया आप लोगों ने? वो तो आप ही बताएंगे, क्योंकि आपने नाम टोटली चेंज कर दिया, जुगाड़ू कंपनी रख दिया, और आपने कहा क्लाइंट्स मैं लेकर आऊंगी, आइडियाज आप हमें नहीं बताया करेंगी, तो आपने हमें आइडिया दिया. मैं आपका वेट कर रही थी. जाहिर है क्लाइंट मैं ही लेके आऊंगी. exactly. आप लोग लेके आ सकते तो आप लोग मेरे साथ पार्टनरशिप करते. देखिए हम दोनों को फायदा. एग्जैक्टली आप आएंगी हमारी. मुझे फायदा मेरे ऑफिस में भी होता था. ये तो मैं रोनी ने इतनी मिन्नतें की तो मैंने कहा चलो कुछ फायदा तुम लोगों को भी हो जाए. रोनी ने आपकी मिन्नतें की थी? नो रोनी. अच्छा आखिर अभी आ जाते हैं काम पे. सवेर के आए हुए हो और किया क्या है? आज पहला टास्क सी यू नो, मैं ब्रोशर वर्ने ने जुगाड़ू कंपनी यू नो लोगों ने मैं खिंच के यू नो उन्होंने ब्रोशर फड़ाए ने कि अल्लाह के जो नहीं तो तानू यू नो आज थोड़ा सा मैं आज रिस्ट्रिक्ट हो गया था. एक बात हमेशा याद रखो, कभी भी लोगों पे जबरदस्ती नहीं करनी. ये बिजनेस का असूल है, वरना पता क्या होता है लोग क्या समझेंगे कि इनकी कंपनी की वैल्यू ही नहीं है, मिन्नतें कर करके ये ब्रोशर दे रहे हैं. God, रोनी को ऑलरेडी चीजों का आइडिया. आप इस चीज की ना टेंशन बिल्कुल है, ऑलरेडी हम आपको समझाते हैं रोनी. ना पुसी काले एवेक ना एहो जी अंकल ना जरा सवेरे फ्रूट दी फ्रेश प्लेट खांदा होए ना ओ नहीं आ सकते. तो क्या हम लोग क्या खाते हैं? तू करे लेते मैं सड़ी हुई चाय पीना, एहो जी आइडिया सानू क्यों नहीं आंदे? ओ क्यों खेच. यस मैडम यू आर एब्सोल्युटली राइट. या एक्चुअली आप देखिए टाइम, आप जैसे मुझे कह रही कि आपने मुझे जस्ट ओनली 3 आवर्स दिए, बट 3 आवर्स में भी आपको टाइम मॉर्निंग का करना चाहिए ना, तो इस वक्त सूट नहीं कर रहा होता. मुझे कॉल्स भी आ रही थी क्लाइंट्स की और पूछ रहे थे और सारी चीजें ना. मेरा पूछ रहे थे? नहीं किसका पूछ रहे थे? एग्जैक्टली वो मुझे मुझे मैसेजेस एंड मेल्स पे आती है ना. उसको मैंने ये बताना नहीं था कि वो मैडम 3 घंटे बाद 4 घंटे बाद है, मुझे टाइम नहीं देना. बिल्स कहाँ से पूरे होंगे, खर्चे कौन पूरे करेगा? तुम पूरे करोगे? आप लोग ये कानों में क्या बातें कर रहे हैं? पता ये नहीं, हम मुंह से बात कर रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं. एक्चुअली वो इसको सिर्फ खाने पीने की ये गैर आधे घंटे का काम था. नोशी मैंने से कहा था जाके ब्रोशर फेंक कर, और ये मोटा जो है ना 2 घंटे बाद आया. रोनी अगर मेरे साथ काम करना है ना तो फिर टाइम की पाबंदी करनी पड़ेगी, ठीक है? 1 मिनट भी जाया नहीं करना चाहिए. यही जो 1 मिनट आप जाया करते हैं ये अपने बिजनेस में क्यों नहीं दे रहे आप टाइम? जहाँ तक बिजनेस के हम आइडिया पे आते हैं, आप क्लाइंट्स और आइडिया के किस तरह इसको आगे लेकर चलना है. सैम ऐसे करना है, तुम्हें जो मैंने काम कहा था ना, तो वो जाओ रिसेप्शन पे बैठना. एग्जैक्टली मुझे तुम्हारा काम है ना उसी पे रहा करो. जाओ कोर्स में तो बस मैडम वे फिर थोड़ा सा. ओके अभी तक नहीं देखा उन्हें, जाओ. यार ये लड़का बिना नोची पता नहीं क्या करता है.
सारी चीज़ें तो जाहिर है इस बिज़नेस को मैंने और आपने ही लेकर आगे चलना है ना, तो क्योंकि मेरे जो ख्वाब हैं वो बहुत बहुत ऊंचे ख्वाब हैं, इन ख्वाबों को पूरा करने के लिए हम दोनों ने करना ना, तो अब एग्जैक्टली अब आप 50% की पार्टनर तो बन चुकी हैं, क्या करूँ, मजबूरी है मेरी भी। क्या कहा, मजबूरी? ओके, एग्रीमेंट कैंसिल। और हाँ, ऐसे करो, जरा अपना मोबाइल देना, मैंने एक फोन करना है। मेरा कहने का मतलब वो नहीं है अनुष, आप गलत समझ रही हैं इस चीज़ को। मैं समझ रही हूँ जो आप कहना चाह रही हो। देखिए, आप मेरी बात को अंडरस्टैंड नहीं करी। मजबूरी का मतलब ये कि जाहिर है हम दोनों ने लेकर चलना इस बिजनेस को आगे। नहीं तो मजबूरी है तो छोड़ दें, एग्रीमेंट कैंसिल हो जाता है और मैं कॉल कर देती हूँ कि आपका जो ये दफ्तर है, जो आपकी कंपनी है जो आप चला रहे हैं, ये नॉन रजिस्टर्ड है। और वैसे भी आप लोग अगर कंपनी खोलते हो तो साथ ही मेरा ऑफिस है, बहुत असर पड़ रहा है मेरे कारोबार पे भी। नौशी, देखिए ना नौशी, ऐसा मेरे कहने का मतलब कुछ भी नहीं था। मैं वो ये बात कर रही थी कि देखिए इसके खर्चे आएंगे, इसको चलाना है, हम दोनों ने मिलकर इसको आगे लेकर चलना है, तो आगे जो हमारे क्लाइंट्स आएंगे, जाहिर है हमें प्रॉफिट, दोनों ने मिलकर प्रॉफिट लेंगे ना, दोनों को आगे लेकर चलना है। प्रॉफिट की बात आई तो दोनों मिलकर लेंगे, जब खर्चे की बात आती है तब आपको गुस्सा आने लग जाता है। देखिए ना, अब खर्चा भी तो निकालना है ना, ऑफिस, हम इतनी बड़ी ऑफिस चला रहे हैं, सारे खर्चे मैनेज तो करना पड़ेगा ना हमें। तो मैंने तो आपको नहीं मशवरा दिया था कि आप ऑफिस चलाएं। खैर, अब ऐसे करते हैं कि हमने साथ ही काम करना है। हाँ, तो मिल बांट के खा लेंगे, ठीक है? मैं भी इसी बात पे हूँ कि दोनों को मिलजुल के काम करना है ना। तो अब ये है कि अब मुझे गुर बताएं कि क्लाइंट्स क्या, मुझे बता रही थी मैं आपको गुर बताऊंगी जो क्लाइंट्स आएंगे, हम इससे डील कैसे करनी, और डील भी एक ऐसी हो जो कि फौरन डील पक्की हो जाए। गुर, हाँ वैसे सैम, गुर तो मैं बता दूँ, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं मैं गुर बताऊँ और ये ना हो कि कल को तुम लोग जो है ना सारे क्लाइंट लेके एक अलग कंपनी बना लो। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए मेन आप हमें आइडियाज़ देंगी, गुर बताएंगी, क्लाइंट्स आ रहे हैं, हमने से कैसे उससे फाइनल करना है हमने सारी बातें। हाँ, खैर वो तो जाहिर सी बात है, डीलिंग सारी मैंने करनी है। हाँ, लेकिन एक बात हमेशा याद रखो, जब भी आप बिजनेस करते हो ना, हाँ, तो उसके कुछ उसूल होते हैं। हाँ, ठीक है, अब मेरा 10 साल का तजर्बा है इस फील्ड में, तो कभी भी कोई भी काम करना हो, हाँ, उसे छोटा नहीं समझना, पहली बात तो। ओके, ओके, ठीक है। और जो दूसरी बात है, हाँ, वो ये है कि जो भी हमारा क्लाइंट होगा ना, हाँ, उसे एतमाद में लेना बहुत जरूरी है। हाँ, I mean कि उसकी जो भी डिमांड्स होंगी हम उसके मुताबिक जो है काम करेंगे। डिमांड्स? अगर नौशी उसकी डिमांड्स हो कि हमारी जो बारात है वो एरोप्लेन पे जाए, तो हम क्या उसके लिए जहाज बुक करेंगे? एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको। हाँ, क्यों नहीं है? देखो ना, अब कहते हैं ना कि पैसे को पैसा खींचता है, ठीक है? हाँ, तो हमें अगर जहाज पे भी बारात लेके जानी पड़े तो हम लेके जाएंगे, थोड़ा सा खर्चा करेंगे, तो फिर तभी तो पैसे आएंगे, ठीक है? ताकि जब पैसे आ जाएंगे तो हम फिर जहाजों की बारात भी लेके जा सकते हैं। तो उसके लिए सारा हम कैसे करेंगे, कौन 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 कैसे मैनेज करेंगे? वो जब वक्त आएगा ना, जब क्लाइंट आएंगे, तो साथ साथ फिर तुम सीखती भी रहना। हाँ, एकदम मैं सारी बातें तो नहीं बता सकती। मैं ये थोड़ा कह रही हूँ कि आप एकदम ही सारी बातें बता दें, लेकिन वैसे मैं आपसे पूछ रही थी ना कि अब क्लाइंट्स कितनी ढेर सारी डिमांड्स हो और बाद में वो हमसे पूरी ना हो सके, तो फिर समझ रही है ना कितना एम्बैरेसिंग फील होगा ना। मैं समझ रही हूँ। हाँ, वैसे मैंने कह दिया ना कि डीलिंग सारी मेरी होगी। डीलिंग सारी आपकी ही होगी? मैं गुर नहीं बताती आपको, क्योंकि मैंने कहा ना तुम्हारा और रोनी का मुझे जरा भी भरोसा नहीं है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता। देखिए, अब जाहिर है हमने साइन एग्रीमेंट, आपका और मेरा साइन हुआ, तो ऐसे कैसे हो सकता है? खैर, एग्रीमेंट तो साइन हो गया। हाँ, और उसमें जो जो शराइत थी वो अब आपने पूरी करनी है, और रहा बिजनेस, तो खैर उसमें सारी डीलिंग मेरी होगी। तुम लोग सिर्फ आम खाओ ना, पेड़ क्यों गिनते हो? सारी डील आप करेंगी, आम हम कर, मैं कुछ अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही। मेरे कहने का मतलब है कि जो छोटे मोटे काम होंगे ना ऑफिस के होंगे, जो जो भी करना होगा वो पहले मैं बता दूंगी आपको, ठीक है? और जो डीलिंग होगी वो मैं करूंगी क्लाइंट के साथ, और आप लोग सीखते रहना कि मैं कैसे डीलिंग करती हूँ। लेकिन वो बात तो है, लेकिन आप और मैं दोनों बिजनेस के पार्टनर हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे भी कहीं कोई चीज़ अगर सही समझ ना आई, वो चीज़ अगर हम वो ना कर पाए, तो मसला बन सकता है ना। आप इस चीज को भी तो देखें सैम,
अगर आप लोग इतने ही एक्सपीरियंस आप लोगों के पास होता तो फिर आप लोग मुझे क्यों बुलाते? वो बात तो ठीक है, मैं आपकी सारी बातें अंडरस्टैंड कर रही हूँ, लेकिन आप भी तो इस चीज़ को समझे ना जिस तरह आप मुझे कह रही हैं। मैं क्या समझूँ अब, पहले क्लाइंट तो आ जाने दो, पता नहीं आज ही सारे गुर क्यों सीखने हैं। इसमें बुरी क्या बात है, गुर बातें हम आएंगे, क्लाइंट से डिस्कस बातें होंगी। देखिए हम दोनों इस चीज़ को चला रहे हैं नोशा, आप ये भी तो चीज़ अंडरस्टैंड करें ना, हम दोनों इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं। अच्छा ठीक है ठीक है, इतनी एक्साइटेड क्यों हो रही हो सैम, पहले क्लाइंट को तो आ जाने दो। क्लाइंट आ जाएगा तो रोनी को मैंने कहा है ना, वो क्लाइंट्स को डील कर लेता है रोनी। अच्छा, वैसे एक और बात, हाँ ब्रोशर तो हम लोगों ने वो कर दिए हैं ठीक है, उसके अलावा जितने भी अपने कॉन्टेक्ट्स हैं ठीक है, उनके साथ भी दुआ सलाम जरा सी बढ़ा के अपने बिजनेस के बारे में उनको बताती रहना साथ साथ, बड़ा फायदा होता है वैसे। आई नो आप कह तो रही हैं, सही कह रही हैं, लेकिन अब ये है कि अब टाइम और चीज़ें उन सबको चीज़ों को लेकर भी तो चलना है ना हमने। वो तो है लेकिन ये है कि अब टाइम ज़ाया नहीं करना हम लोगों ने ठीक है, और मैं थोड़ी सी लेट भी हो जाऊँ तो प्लीज़ तुम माइंड नहीं करना ठीक है, मेरा ऑफिस है ना, तुम्हें पता है कि मेरे भी क्लाइंट्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप तो महान हैं, आप तो कुछ भी कह सकती हैं कर सकती हैं। जैसे आपने कहा है जी क्लाइंट से मैं किस तरह बात करती हूँ, कैसे उससे पैसे निकलवाती हूँ, हाँ तो चलिए ये भी पता चल जाएगा जो आप, क्योंकि आपका तो 10 साल से आप बिजनेस कर रही हैं नोशी मैम। अच्छा तो मतलब आप ये जानना चाह रही हैं कि मैं पैसे क्लाइंट से कैसे निकलवाती हूँ। माशाल्लाह आप 10 साल से काम कर रही हैं इस फील्ड में, आपका तो होल्ड है, तो उसके लिए मैं पूछ रही हूँ ना कि आप जैसे उनसे बात करेंगी आप कैसे एक ही मीटिंग में आप सारी चीज़ें डन कर लेती हैं। एक ही मीटिंग में नहीं, ये भी एक तरीका कार है क्लाइंट को जो है ना थोड़ा सा लटका के, क्योंकि आपने नाम रखा ना जैसे हमारा ऑफिस का नाम ही आपने चेंज कर दिया। तुम लोगों को देखते हुए मुझे यही नाम जहन में आ रहा था, जुगाड़ू कंपनी, तो जुगाड़ कर लेंगे ना। ओह माय गॉड, स्वेर तो शाम हो गई, यू नो आई हैवंट यू नो एंजॉयड येट, मैं दिमाग बिल्कुल फटन वाला हो गया जी, मैं थोड़ी देर और म्यूजिक ना सुने आते मैं तो बिल्कुल ही चला हो जाना है। तौबा ये तो मम्मी फिर ठीक पै गई है, तो मैंने वक्त अपने वहाँ से काम बधा लिया है, की हो गया है। अलो मियो प्लीज थोड़ा जो तरस खा लो मेरे से, है थोड़ी कंपनी टूर पे, फिर तो मैं ना कमीशन कमा के तो चुप करके मैं भी एक दिन दुबई चले जाना है किसी को, खैर छोड़ो इस गल, ये तो थोड़ा जो म्यूजिक होना चाहिए, थोड़ी जी इंजॉयमेंट होनी चाहिए, आखिर मैं भी इंसान हाँ, कदों तो काम करता रहूँगा यू नो। ओ माई गॉड, अच्छे फिर मैं की है, मैं झाड़ू दिता है, उसके बाद पोचा भी मारिया सारा ऑफिस के बीच, उसके बाद मैं ब्रोशर भी वंडे ने, उसके बाद और भी सारे काम। ओ माई गॉड, तो ये जो करेले वाली औरत है यदि तसली फिर भी नहीं आती, नोशी आप थोड़ी जी मैं सुलझी खत्म लगी है, फिर कोई गल नहीं पता चले, और यू नो खरबूज में देख के खरबूजा रंग फाड़ता हो सकता है, करेले देख के करेला रंग फाड़ ले, वॉश ऐ ना हो, खैर चलो कोई गल नहीं, थोड़ा जो म्यूजिक हिट करो, 1 2 3 जुगाड़ू कंपनी है जी जी, जुगाड़ू कंपनी दे विच यू नो तुसी आ गए हो, कौन हो भाईजान? मुझे नहीं जानते। ओ माय गॉड, एक मिनट, तुहानू नो खैर कोई गल नहीं, यू नो मैं इकबाल खान उर्फ बाला कर जमाई। ओ माय गॉड, अच्छा तो दी थोड़े रुले पुले जे लग रहे हो मैनू, आई हैव हर्ड अबाउट यू, थोड़ा जे लगदा कोई एड्रेस यही है जी जी, बिल्कुल यही है, जुगाड़ू कंपनी से थोड़ा स्वागत ले, मैं ओ माय गॉड मैं की बोल गया, तौबा तौबा, लेकिन मैं तुम्हें दस दिया यू नो जस्ट काम वाला कोई लभण आए हो तो असी वह भी तुम्हें दे देंगे, मैं पता लग गया तुम बड़े ही काम करते हो। काम लभने नहीं आया, काम करवाने आया।
प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मतलब तो बहुत ही लुटिया जा सकता है जी सर बोले बोले क्या मैं मतलब जो भी प्रोजेक्ट है असी पूर्ण कर देने हैं वैसे तो सी सारे काम कर सकते हो की मतलब है की गाल करना चाह रहे हो सारे काम असी नहीं कर दे की गाल है की कह रहे हो वैसे लगता नहीं है कि इधर जो जिस काम के लिए मैं आया वो आप कर सकेंगे अल्लाह जी बहुत ही कोई लगता दिमाग दे विच गैस भरी इस बंदे दे की चांदे की हो ना दीवार पे कोई पंचसठी बंदूक लगी है ना कोई छुरी ना कांटा ना तलवार किस किस्म का जुगाड़ू दफ्तर है यार ओ माय गॉड तुसी रेस्टोरेंट खोलना चाह रहे हो मैं जो प्रोजेक्ट कहन के आया मैं वो काम कराना चाहना इथे अच्छा तो तुसी कसाई बनना चाहते हो दुकान खोलनी है हो माय गॉड नो वायलेंस ऐसे तो सा लिखा है दुनिया का हर वो काम जो नहीं हो सकता वो हम करते हैं एक कर रहे हैं अल्लाह जी की हो जे काम वास्ते की हो जे बंदे आ रहे ने मशकूक जे लाग दे ने मनु जी मनु दसो ते सही मुछा जबरदस्त ने लगदा ट्रक खींचते हो आप ओए पप्पू मेरी गल सुन पप्पू नहीं आ रॉनी मेरा ना है के ना है सारे नु दस ना फैन दा यू नो ओ माय गॉड किथे रुल गया रॉनी चौधरी रॉनी चोर नहीं ओ माय गॉड अपने आप ते दा समझया करो हर किसे नु रॉनी चौधरी ना है मेरा ते मैं देओ मामा जड़े अपने पल्ला तो जो पैसे ला ला के इथे काम कर रहे ओ प्रा मैं जड़ा काम कहन के आया ना जी 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 ओ चौधरी नहीं कर सकती ओ चोर कर सकती ना तू मैंने शक्ल चोर नजर आना ते कोई गाल नहीं सी तोड़े वास्ते चोर मंगा लांगे तू तो सुकर मची है यार मैं नहीं लगता कि तू मेरा काम कर रखना मैं नहीं भाई भाई जान भाई जान ते आओ ना ते ओ माय गॉड कुर्सी भी कोई है चलो इधर करो तुसी बैठ जाओ तुसी दसो की चांदे हो मनु ए पहली गाल है सिर्फ ना इथे तू अकेला है कि किसी और से भी मैं कोई बड़ा बदमाश चाहिए है मैंने बदमाश चाहिए खैर असी तो बड़े नफीस जे लोग हां खैर कोई गाल नहीं इंज करो तुसी इधरों बाहर जा के सीधा ही अंदर चले जाओ साडा ऑफिस है उथे मैडम बैठे ने ओना दे नाल गल पे कि पैसियां दी गल मैं मतलब है कि अपने काम दी गल करो ओ तानो दस देंगे गाइड कर देंगे ओके मैडम नाल गल कर सा तो मेरे नाल करनी है तो कोई इंज करो के चले जाओ मेरा एक काम जड़ा है वो मैडम दा ते इना दा ओ तुसी समझे ही नहीं ना सरकार यू नो मैडम जड़े ने ना वो हर तरह दा यू नो अरेंजमेंट करवा सकदे ने अच्छा हां यानी मैं ठीक जगह ते आया बिल्कुल ठीक जगह ते जुगाड़ू कंपनी एमए नहीं मैं ना रखया अच्छा या सो यू प्लीज आप उधर चले जाएं ते तुसी तो सोचा है ते बिल्कुल नहीं पीते होंगे क्योंकि रंग और मेरा मतलब सड़ जांदा है रंग प्लीज प्लीज मैं भूख लगी सुबह नाश्ता मेरी बीवी ने नहीं बढ़ाया मैं इसी तरह आया रोटी का बंदोबस्त नाश्ता ओ तो मैं भी नहीं कहता कठे करके सर हां बिल्कुल पप्पू किधर पास जुला ओ तो सीधे चले जाओ अंदर रिसेप्शन इस पास हां बिल्कुल सीधे चले जाओ ओके शुक्र है कोई थे आए मैं तो म्यूजिक सुनो